बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शरणजीत चैनल में आपको खुश आमदीद। हम आपकी खिदमत में आज एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपके मोबाइल की जो स्पीड है वो कैसे तेज़ हो सकती है। ये फंक्शन सैमसंग मोबाइल के अंदर है, हर एक सैमसंग मोबाइल के अंदर ये फंक्शन मौजूद है कि उसकी आप स्पीड तेज़ कर सकते हैं और स्पीड स्लो भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये चीज़ हम आपको सिखाएँगे आज के इस लेक्चर में। काम स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद से मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। हम अपने काम की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको ऊपर एक चेन सी आपको बनी नज़र आ रही है, राउंड सी, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। ये क्या है, इसकी सेटिंग है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपने क्लिक किया, अब इसकी सेटिंग में चले जाएंगे। यहाँ पे आपको सेकंड लास्ट में नज़र आ रहा है सबसे पहले अबाउट डिवाइस या अबाउट मोबाइल, ये दो हो सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास अबाउट डिवाइस है, आपके पास अबाउट मोबाइल भी हो सकता है, या आप इसको नीचे याद रखें डेवलपर ऑप्शन, इसको आपने याद रखना भी। लेकिन हमने क्लिक अभी किसके ऊपर करना है, अबाउट डिवाइस के ऊपर। हमने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक किया, हम चले गए यहाँ पे जनाब सॉफ्टवेयर इन्फो में। आपको लास्ट ऑप्शन यहाँ पे सेकंड लास्ट ऑप्शन नज़र आ रहा है सॉफ्टवेयर इन्फो, आप इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है बिल्ड नंबर, बिल्ड नंबर, इस नंबर के ऊपर आप 6 से 7 बार क्लिक करेंगे। अगर आपका ये जो अभी मैंने आपको पीछे का नाम बताया था डेवलपर ऑप्शन का, अगर वो ऑप्शन ऑन नहीं है, तो कुछ मोबाइल ऐसे हैं जिनमें वो ऑप्शन डेवलपर ऑप्शन ऑफ होता है, क्योंकि लोग अक्सर वो डरते डरते उसके साथ छेड़ते ही नहीं हैं कि कहीं कोई हमारा मोबाइल ही ना ख़राब हो जाए और ये हो जाए और वो हो जाए, तो इसकी वजह से साथ छेड़ते नहीं हैं। तो इस वजह से अगर आपका बिल्ट इन फंक्शन ऑफ है तो आप इसको ऑन करें, कुछ भी नहीं होता डेवलपर फंक्शन के साथ छेड़ने से। आप इसको 7 बार क्लिक करेंगे तब ये ऑन होगा, मेरा ऑन हुआ है इसलिए ये ऑप्शन दे रहा है। इस तरह आप इसके ऊपर 7-8 बार क्लिक करेंगे तब वो डेवलपर ऑप्शन आपके पास शो हो जाएगा। अब हम आते हैं डेवलपर ऑप्शन की तरफ, जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है डेवलपर ऑप्शन, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक किया, आप नीचे आएंगे, यहाँ पर ये जो तीन चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांजैक्शन एनिमेशन स्केल और एनिमेशन ड्यूरेशन स्केल, ठीक है, ये चीज़ें देखना आप। इस वक्त मैंने इसका स्केल क्या रखा, 1.5x। अगर मैं इसका जो स्केल है वो और ज़्यादा क्या करता हूँ, बड़ा करता हूँ, मतलब मैं 5 के ऊपर ले जाता हूँ, नीचे वाले का भी अगर मैं देखो इसका 5 पे ले जाता हूँ, आपको नज़र आ रहा है कि मेरा मोबाइल क्या हो गया है इस वक्त, इंतहाई ज़्यादा स्लो पे ऊपर चला जाए। नीचे वाले को मैं 5 पे ले जाता हूँ, देखो मेरा मोबाइल क्या हो गया, इंतहाई ज़्यादा स्लो हो गया। देखो मैं इसको बैक करूँगा तो आप देख लेना, ये देखो मेरा मोबाइल कितना स्लो हो गया है। इसके ऊपर ऑप्शन है कि आप अपने मोबाइल को तेज़ भी कर सकते हैं और स्लो भी कर सकते हैं, मैं उस चीज़ के ऊपर वापस आता हूँ। ये अब मैं इसका साइज़ 0.5x रखता हूँ, 0.5x रखना चाहिए, कुछ लोग ऑफ भी कर देते हैं, लेकिन 0.5x आपको रखना चाहिए मोबाइल के लिए, मोबाइल से फंक्शन के लिए अच्छा होता है। इसके ऊपर आप 0.5x लगा दें, इसके ऊपर भी 0.5x लगा दें और उसके ऊपर भी 0.5x लगा दें। नहीं, इसके ऊपर मैंने 5 लगा दिया है, 0.5 ठीक हो गया, ये भी 0.5 है, इन सब के ऊपर मैंने 0.5 लगा दिया। अगर किसी का मोबाइल फिर भी सही तरह काम नहीं करा तो उसको ऑफ़ भी कर सकता है, जैसे मैंने इसको ऑफ़ कर लिया। अब मोबाइल मेरा भाग रहा है, दौड़ नहीं रहा, हम कहते हैं कि भाग रहा है। ये चीज़ है जो चीज़ थी आपके मोबाइल ऑप्शन की, कि आपके मोबाइल ऑप्शन को ये तेज़ कर सकते हैं। ये फंक्शन जो है वो किस में, सैमसंग मोबाइल में है। अब एक और बात है, अगर आप स्क्रीन लगाना चाहें, यह आपका ये समझ लें कि इस वीडियो से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हम एक एक्स्ट्रा चीज़
यहाँ पे साथ मुझे नज़र आई है, तो मैं आपको वो भी बताता चलूँ। आप एक एक्स्ट्रा स्क्रीन अगर आप कहते हैं कि मेरी ड्रा हो यहाँ पर इसी स्क्रीन के ऊपर, तो वो आप ये आपको नज़र आ रहा है सिमुलेट सेकेंडरी डिस्प्ले, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस वक्त नॉन है, मतलब कोई डिस्प्ले नहीं हो रही, कोई और स्क्रीन डिस्प्ले नहीं हो। मैं कहता हूँ 480p की जो है वो डिस्प्ले हो जाए स्क्रीन। ये आपको नज़र आ रही है, ये जिसको मैं घुमा रहा हूँ इधर उधर, तो ये क्या हो गया, डिस्प्ले हो गया। साथ साथ जो भी आप चीज़ चलाएंगे वो इसके ऊपर भी नज़र आएगी, लेकिन क्या होगी, थोड़ी छोटी होगी तो वहाँ से नज़र आएगी। अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हैं, इसको 720p ले जाएँ, ये देखो आप क्या हो गया, बड़ा हो गया थोड़ी। इससे भी बड़ा करना चाहते हैं 4K कर लें, ये देखें और बड़ी होगी। अब आपको देखना, जब मैं इसको बैक करूँगा तो उसमें भी चेंजिंग नज़र आ रही है। वो देखो गूगल एसेसिबिलिटी होगा, ये चीज़ें इस पर नज़र आ रही हैं, वो देखो स्क्रीन के ऊपर ये भी नज़र आ रही है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जो आपकी मोबाइल स्पीड के तेज़ करने के बारे में थी, सैमसंग के स्पीड को तेज़ करने के बारे में थी। हमारी अगले वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर घंटी मारना ना भूलें, घंटी मार के ज़रूर जाएं। आज की हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है, अल्लाह हाफिज़।